देखो अगर फीस नहीं निकाल पाओगे तो इलीगल हो जाओगे यूके में, और उसके नुकसान क्या है वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सुन के आपको पता चलेगा यूके की रियलिटी के बारे में। ठीक है, ये जो बातें मैं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूँ, ये आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने बताई होंगी। हाँ, ये बातें आपने सुनी भी होंगी तो अपनों से सुनी होंगी और किसी से नहीं सुनी होंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बातें कोई बताता ही नहीं है कि यूके में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आजकल के टाइम पे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो भी बच्चे यूके में आते हैं बैचलर्स पे, उनकी जो फीस है ना, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत मुश्किल से निकलती है। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या होता है बच्चों का जो फीस नहीं पे कर पाते हैं। ठीक है, देखो यार आप ना एक लॉजिक लगाओ। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है 15 लाख, जिसने ऑलरेडी लोन पे आना है, ठीक है, वो 15 लाख लोन लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे की फ़ीस भी देनी है, पुराना भी कर्ज़ है, ठीक है, यहाँ के भी एक्सपेंसेस देने हैं और काम की भी दिक्कत आए, तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो फीस नहीं दे पाते हैं, फिर वो दूसरा स्टेप क्या होता है उनके पास, वो इलीगल हो जाते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह छोड़ देते हैं। उन वो सब करने के बाद उनके साथ क्या होता है, ठीक है, देखो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। ठीक है, वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो होते हैं पंजाब के, जम्मू के, या फिर यूपी वाली साइड, या फिर हरियाणा वाली साइड, तो वो होते हैं इस साइड के बच्चे, वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उनके पास काम वगैरह नहीं होता। ठीक है, मतलब जिनके पास काम वगैरह नहीं होता, फीस निकलती नहीं है, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, फिर वो इलीगल हो जाते हैं। तो उससे नुकसान क्या है, देखो नुकसान यह है कि आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते हो। ठीक है, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप इलीगल हो गए तो आपका फ़ायदा सिर्फ यह है कि आपकी फ़ीस नहीं है, आप जो भी कर रहे हो कैश जो भी जमा कर रहे हो अपने पास रख रहे हो और इंडिया भेज रहे हो, मतलब बैक होम में आप अपना बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको करनी है तो। ठीक है, जो बच्चे फीस नहीं, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं पे कर पाए और आपने इन्होंने आपको उठा के फेंक दिया। ठीक है, बट ऐसा होता है कि जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है उसके बाद चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको कुछ टाइम के अंदर कंट्री छोड़ देनी होती है, वो आपको या फिर होम ऑफिस वाले या फिर कोई करता है, ऐसा मेल वगैरह आती है उसके थ्रू आप ये सब चीज़ें करते हो। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब ये ऐसा होता है आपके साथ जब आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह छोड़ देते हो और आपको एक आपको मेल आती है उसके थ्रू आप वीज़ा कैंसिल हो जाता है आपका। ठीक है, देखो ये कुछ बातें हैं और भी करूँगा। ठीक है, देखो जो इलीगल होते हैं वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूके में, कौन सी जॉब कर सकते हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स, है ना, जो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो बोर्ड्स के थ्रू आते हैं वो भी हो सकते हैं। और मैं बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले जो टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं वो उनकी भी बात करूँगा। ठीक है, जो भी यार यूके में आता है इलीगल वे में और जो यहाँ आके इलीगल होते हैं उन सब की बात करूँगा। ठीक है, करना क्या होता है, आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस बच जाते हैं काम के लिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका कंस्ट्रक्शन वाली जॉब ढूंढ के एक बंदे के साथ, एक बिल्डर के साथ परमानेंट काम करो, वो आपको परमानेंट जॉब देता रहेगा, तो उसके साथ आप ग्रो कर सकते हो। कैसे, काम सीखोगे, पहले वैल्यू कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप किसी की कमज़ोरी बनोगे तो वो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये। दूसरा, किसी ग्रोसरी शॉप पे काम लग गए, ठीक है, किसी ग्रोसरी शॉप पे लग गए, वहाँ पे परमानेंट कैश इन हैंड जॉब, जब आपको प्रॉपर दुकान खोलने तक आ गई फिर वो आपका फ़ायदा है। ठीक है, थर्ड थिंग है, आप जैसे यहाँ पे यूके में क्या होता है कि मतलब लाइसेंस वगैरह बन जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स के भी यहाँ पे लाइसेंस बन जाते हैं, तो आप किसी मतलब डीपीडी में किसी और जगह में काम, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप डीपीडी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप मतलब 100 पाउंड कैश में आप इजीली कमा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। बट अभी की टाइम पे सिचुएशन की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं झूठ नहीं बोलता आपको, सच्ची बता रहा हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स की सिचुएशन यूके में है ना, आज से पहले शायद ये चीज़ 2010-12 में हुई थी, ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, बट बोलते हैं कि ऐसा इस टाइम पे हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे यूके में बहुत बुरी सिचुएशन है, बट हाँ रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलती है, अभी वो भी कम हो चुकी है मिलना क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। मे बी ये चीज़ 1-2 सालों में सही हो जाए, बट एट द मोमेंट बहुत मुश्किल है यूके में। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं वो कोई बताता नहीं है। ठीक है, और इलीगल वाली चीज़ें, ये देखो कई बच्चे तो सोच के यही आते हैं कि हम जाएंगे और इलीगल हो जाएंगे और बस पैसा कमाना है, इंडिया छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि इंडिया कोई है भी हमारा। ठीक है, वो फिर वो पैसे पुसे कमा के इंडिया चले जाते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं वो फीस भी निकाल लेते हैं और सब कुछ अपना साथ साथ करते रहते हैं, और इंडिया भी जाते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सो ये जो वीडियो थी, ये आप हार्श रियलिटी थी यूके के बारे में, जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर नहीं बताता तो कुछ बच्चों को ना पता चलती। सो यही थी वीडियो, आज का टॉपिक यही था, रियलिटी ऑफ यूके। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।